हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पर डीएचआर सर केमिस्ट्री। तो जो लोग नए हो, सबसे पहले ये काम करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों तक, जो लोगों तक नहीं पहुंचा है या जो भी अभी लाइव नहीं आए हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं स्टार्ट करूँगा एसिडिटी का लास्ट टॉपिक, ठीक है, जिसमें आप पढ़ोगे दो इंपॉर्टेंट बातें सबसे ज़्यादा पढ़ोगे, एक सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट और दूसरा ऑर्थो इफेक्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जब हम एसिडिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और सबसे पहले जब मैंने आपको बताया कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें और हम लोग मज़े से पढ़ सकें। ठीक है, तो सुबह मैंने एक लेक्चर आपको दिया था, शायद कुछ लोग सो रहे होंगे जब मैंने एक लेक्चर बनाया था सुबह 6 बजे से, तो कोई नहीं, अभी तो मैं आप जग गए हो 4 बजे, एक सुबह 6 बजे था, एक शाम को 4 बजे हो रहा है। कल मैंने क्लासेस नहीं ली थी, उसी का मैं बैकअप ले रहा था ताकि अपना शेड्यूल गड़बड़ ना होने पाए। देखिए कुछ चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पे मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था, अगर आप लोग जिन्होंने वीडियो देख लिया होगा उन्हें याद होगा मैंने लास्ट टाइम इस क्वेश्चन पे छोड़ा था। यहाँ पे बी वाले का आंसर तो मैंने बता दिया था, बट इसका कोई रीज़न नहीं बताया था, है ना। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहा हो या कोई रीज़न आपको ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तब तो कोई बात नहीं, दिक्कत ही नहीं है, तब तो बहुत ही मज़ेदार बात है, आगे चलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ कि कई लोगों के चीज़ हो सकता है दिमाग से निकल गया हो, क्योंकि भाई सब आप कहोगे सर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसकी बेसिसिटी हाई होनी चाहिए थी, सॉरी इसकी एसिडिटी क्या होनी चाहिए थी, हाई होनी चाहिए थी, माइनस आई तगड़ा लगता, बट क्लोरीन होता है ज़्यादा। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल का, किसका, वैकेंट डी ऑर्बिटल का। क्लोरीन के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये पूरा रिंग क्या होता है आपका, कंजुगेटेड होता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये O- जो चार्ज होता है, ठीक है, पैराक्लोरोफिनॉल पे जो O- चार्ज है, अगर ये बेटा डीलोकलाइज करेगा, है ना, ध्यान से देखो, अगर ये डीलोकलाइज करेगा तो ये डीलोकलाइज करते हुए कहाँ पे पहुँच जाता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन इन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में डीलोकलाइजेशन होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जबकि फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसीलिए नहीं कर सकता, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसीलिए फ्लोरीन रेजोनेंस नहीं कर सकता। तो दिस इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस, इसी वजह से क्लोरोफिनॉल की जो एसिडिटी थी वो आपके फ्लोरोफिनॉल से ज़्यादा होती है। दिस पॉइंट को याद रखिएगा, अभी कार्बोक्सिलिक में आएगा वहाँ भी एक कहानी आएगी, उसको जब वहाँ आएगा तभी बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे छोड़ा था, मैं थोड़ा आगे चलना चाहता हूँ, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बता देना, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बस क्वेश्चन करने जा रहा हूँ फिनॉल से। ठीक है, क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन फिनॉल आपको बताना है, फिनॉल की एसिडिटी से कम 5 क्वेश्चन करा लूँ, फिर मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पे, बाइकार्बोनेट टेस्ट पे, लिटमस टेस्ट पे और ऑर्थो इफेक्ट पे लेके चलूँगा। ठीक है, चलो भाई साहब देखो, आपको पीके का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है या पीके का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो आपके ऊपर होता है, आप लगा सकते हो, बस मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। ठीक है, तो नाउ वी हैव मेथॉक्सी पैरा मेथॉक्सीफिनॉल एंड वी हैव पैरा क्लोरोफिनॉल, पैरा मेथाइल फिनॉल और लास्ट में आपका पैरा एसिटाइल फिनॉल। ये 4 कंपाउंड है आपको, दिस इज द क्वेश्चन 1, 1, 2, 3 लेबल करके आप आंसर करिएगा। ठीक है, अब बी का आंसर आपको लगाना है, ए बी का, सबको लगा के आंसर फटाफट बताइए, आपको एसिडिटी बतानी है। ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे वाले में आपका पैरा नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तीसरे वाले में आपका लगा हुआ है पैरा टालुइल ग्रुप, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, एंड दैट कंटेन पैरा क्लोरो ग्रुप। ठीक, इन चारों में बेस आपको बताना है ऑर्डर। ठीक है,
तो कोई बता सकता है आंसर जल्दी से? ए बी का आंसर करो, और ये आपका सी। ठीक, सी में बताइएगा। सी आपको भी एक बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल होगा, तो गलती मत करना, ध्यान से करना, ठीक है। यहाँ पे आपका लगा हुआ है कीटोनिक ग्रुप, सी ओ सी एच थ्री ग्रुप, इसमें लगा हुआ है आपका सी ओ एन एच टू ग्रुप, और इसमें लगा हुआ है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, और लास्ट वाला में कुछ भी नहीं लगा है, ये नॉर्मल फिनॉल है, ठीक है, ये सी हो गया। और आपका जो लास्ट वाला डी, डी वाले में आपको मैं चार ग्रुप दे रहा हूँ, चारों को ध्यान से देखना। एक है आपका अमोनियम, दूसरा है आपका टर्सरी ब्यूटाइल, तीसरा है आपका मेथाइल, और चौथा है CF3। चौथा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो लगा लो साइनाइड। ये चार क्वेश्चन है आपके सामने, चारों के आंसर बताइए, ठीक है। अमन शर्मा आपका क्या क्वेश्चन है बेटा? आप लोग सभी लोग क्वेश्चन करिए, मैं इनका क्वेश्चन देख लूँ जरा। सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास में एटॉमिक सिटी एक क्यों लेते हैं? सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास में चार बार लिखने की क्या जरूरत है, एक बार में भी हमें दिखाई देता है ना, चार बार लिख के क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन जहाँ का है वहाँ पूछोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ एसिडिटी, आप मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक सिटी की बात कर रहे हो। चलिए कोई आंसर करेगा, किसी को समझ में आया हो तो आंसर करो, जल्दी से करो। अब कोई आंसर बताए, कोई आंसर नहीं बता रहा है, किसी को नहीं आ रहा है क्या? चलो भाई पहले एक आंसर बताइए, फर्स्ट वाले ए का आंसर क्या होगा कमेंट करो, ए वाले का आंसर क्या होगा? कोई आंसर ही नहीं करता, पता नहीं आप लोगों को लग रहा आ नहीं रहा है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, ठीक। सबसे पहले देखो मेथॉक्सी का कौन सा इफेक्ट काम करता है, दिस इज एक्टिंग एज प्लस एम ग्रुप। क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई ग्रुप। मेथिल का कौन सा ग्रुप लगता है, मेथिल का हाइपर कंजुगेशन करता है और डोनेटिंग इफेक्ट होता है। और ये आपका जो एन एच सी ओ सी एच थ्री क्या होता है, माइनस एम ग्रुप। तो जितने भी माइनस वाले हैं दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो एसिडिटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा जो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने वाला ग्रुप है वो कौन सा है, माइनस वाला, माइनस एम फोर्थ वाला। तो इसमें आपका क्या होगा, मोस्ट एसिडिक ये होगा। तो जो मोस्ट एसिडिक होता है उसका पीके क्या होता है, सबसे कम होता है ना। तो इसका पीके सबसे कम, तो आपको पीके का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, घटता हुआ पीके। तो चौथा वाला सबसे कहाँ जाएगा, आखिरी में, उसका पीके क्या होगा, सबसे लिस्ट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद देखिए, उसके बाद जो दूसरा वाला कंपाउंड है उसका एसिडिटी ज़्यादा है तो उसका पीके कम होगा। अब सवाल है मेजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है, तो मेजोमेरिक हमेशा हाइपर कंजुगेशन के ऊपर डोमिनेट करता है। तो प्लस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा हो गया, मेजोमेरिक का। तो मेजोमेरिक वाले का क्या होगा, एसिडिटी सबसे कम होगा, तो उसका आपको क्या दिखाई देगा, हाइएस्ट पीके वैल्यू। तो आपको ये आंसर मिलेगा 1324। आया समझ में सबको, 1324 ऑर्डर सबको समझ में आया? देख लीजिए 13 पीके एक ऑर्डर पूछा था, पीके घटता सबसे लीस्ट पीके मतलब मोस्ट एसिडिक, तो जिसका पीके सबसे ज्यादा है वो लीस्ट एसिडिक, ये क्या हो जाएगा आपका, लीस्ट एसिडिक। और जो लीस्ट एसिडिक होता है उसका पीके सबसे कम होता है, ये आपका क्या हो गया, मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक, ठीक है। अमन बेटा यहाँ पे ऐसे फालतू कमेंट मत करो, ठीक है। अभी मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे आपको फिजिकल का क्वेश्चन अभी नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है।
बाकी जब पूछना होगा तो क्लास के बाद कॉल करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा, या आप चैनल पर पूछ लेना और टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल जो पूछ रहा है उसका आंसर करिए और नहीं तो मैं कर दूंगा ब्लॉक। चलो नेक्स्ट बताओ, बी का आंसर कोई बताएगा? कोई बी का आंसर बताएगा? किसी को लग रहा आ ही नहीं रहा है। देखो बी वाले में क्या दिया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात देखना, आपके यहाँ पे इफेक्ट लगाने हैं। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, सिर्फ ये क्या कर सकता है, प्लस आई, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन होने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन का होना क्या था, कंपलसरी था, और कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये आपका प्लस आई ही कर सकता है, हाइपर कंजुगेशन नहीं कर सकता। जो एनओ टू है ये आपका स्ट्रॉन्ग माइनस एम करता है, मेथाइल आपका स्ट्रॉन्ग हाइपर कंजुगेशन करता है और ये माइनस आई करता है ना। तो इसमें से माइनस वाले क्या हो गया, फिर से मोस्ट एसिडिक, तो मोस्ट एसिडिक इसमें कौन सा हो गया आपका, दूसरा वाला, तो उसका पी के क्या होगा, सबसे लीस्ट में होगा। फिर चौथा वाला, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पी के, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव में, इंडक्टिव सबसे पुअर होता है, तो आपका आ जाएगा पहला वाला, ठीक है। एंड इसके बाद पहले वाले के बाद सबसे जो लीस्ट एसिडिक होगा वो कौन सा होगा, तीसरा वाला, तो तीसरे का पी के क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, अगर किसी को आंसर में कन्फ्यूजन होगा तो पूछेगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। और पहला लेक्चर जिसने नहीं देखा होगा, पहला लेक्चर जाके देख लेना, फिर दूसरा लेक्चर इसको फिर से देख लेना, आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा, मैंने पहली क्लास सुबह में पढ़ाई थी। सी वाले का आंसर कोई बताए, सी वाले का आंसर क्या होगा, कोई बताओ, सी वाले की एसिडिटी हम कैसे कंपेयर करें, किस बेसिस से कंपेयर करें, और आप यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या लगाओगे, आपको बस बताना है क्वेश्चन का आंसर, आप आंसर बताइए, जिसका आंसर बता रहे हैं उसका लिख दिया करो, ए बी सी डी, ठीक है, तब पता चलेगा ना यहाँ पे, क्योंकि आप डिले बताओगे और मैं करा चुका रहूँगा। कोई बताने वाला है? सी का आंसर, सी में कौन सा मोस्ट एसिडिक होगा और किसका पी के लीस्ट होगा, कीटोन भी माइनस एम करता है, CONH2 भी माइनस एम करता है, COOH भी माइनस एम करता है, और नॉर्मल फिनॉल में कुछ नहीं होता है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शन में से आपको आंसर करने हैं कि किसके एसिडिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। देखो मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा तीसरा वाला, हालांकि माइनस एम तीसरे वाले की ज़्यादा नहीं होती है, वो भी क्यों नहीं होता वही बताऊँगा, उसके बाद पहला वाला, उसके बाद तीसरा वाला, सॉरी तीसरा नहीं दूसरा वाला, सबसे लीस्ट एसिडिक हो जाएगा कौन सा, चौथा वाला। अब देखो ऐसा है, अगर हम इसमें माइनस एम की बात करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा पावरफुल माइनस तो कीटोन होते हैं, ठीक है, अगर इन तीनों माइनस एम की बात करो तो कीटोन जो था COCH3 इसका माइनस एम सबसे अच्छा होता है, फिर होता है COOH का माइनस एम, उसके बाद होता है कीटोन का, सॉरी अमाइड का। बट आपने देखा कि आंसर में सर COOH की एसिडिटी ज़्यादा बता रहे हैं, तो बेटा एसिडिटी आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, एसिडिटी में आप जो एसिड होते हैं जिनका H प्लस मोस्ट सबसे पहले निकलेगा उनकी एसिडिटी हाई होती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो एसिडिटी फिनोल की वजह से नहीं, एसिडिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से ऑब्जर्व हो जाएगी और बहुत ही अच्छी एसिडिटी मिलेगी, वहाँ पे पी के वैल्यू भी आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब पी के वैल्यू बहुत ही कम मिलेगा, समझ में आया ये बात, सबको समझ में आई, मैंने चौथे वाले का ऑर्डर ऐसा क्यों लगाया। तो दिस इज द ऑल अबाउट फिनॉल, आपको फिनॉल के बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया, अब आपको बताने वाला हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, चलिए हेडिंग डाल लीजिए एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी। अब सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, अगर एसिडिक होते हैं
तो एक चीज़ तो कंफर्म है, इनके भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। जैसे फिनॉल का मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी लिखाए थे, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप के भी अपने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताइए कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे कन्फर्म होता है कि दिया गया कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। सबसे पहला तो आप सब जानते हो, इट टर्न ब्लू लिटमस रेड। जितने भी एसिड होते हैं सबके सब क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इट ऑल्सो गिव हाइड्रोजन गैस विथ मेटल, या बोल सकते हो सोडियम मेटल के साथ ये भी हाइड्रोजन गैस देता है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, अगर वो सोडियम मेटल के साथ गर्म किया जाएगा तो वो क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा, सोडियम का सॉल्ट बनाएगा और आपको देगा हाइड्रोजन गैस COO- Na+ प्लस क्या निकलेगा इसका, H2 गैस आपको निकल के बाहर जाएगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा, इट फॉर्म सॉल्ट विथ बेस। बेस के साथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करोगे तो क्या करेगा, ये सॉल्ट बना लेगा, है ना। तो जैसे मान लो आपने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, RC OH ग्रुप, इसका रिएक्शन आपने किससे करा दिया, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वेल नोन बेस है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसी एसिड का रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा, RCOO- Na+ प्लस क्या निकलेगा, H2O, ठीक है, प्लस क्या निकलेगा, H2O। और एक चौथी बात, जो फिनॉल नहीं कर पा रहा था वो कार्बोक्सिलिक एसिड में निकलेगा, इट गिव इफर्वेसेंस विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। यही टेस्ट आपको अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो इफर्वेसेंस होता है ये क्या होता है, बुदबुदाहट होता है, ठीक है। जैसे आपने कभी कोल्ड ड्रिंक देखा होगा ना, कोल्ड ड्रिंक नॉर्मल फ्रिज से निकालो, थोड़ा सा सेक कर दो और ढक्कन खोल दो तो पूरा का पूरा कंटेंट नीचे से क्या होता है, निकल के ऊपर आ जाता है, बाहर फेंक देता है, और उसमें आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन दिखाई देगा, बुदबुदाहट जैसा फील होगा, बिकॉज उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रहा होता है, इवॉल्व होकर बाहर आ रहा होता है। ये टेस्ट देखो, इफर्वेसेंस बाइकार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो देते हैं, बट आपको मैंने कहीं फिनॉल में नहीं बताया, कहीं आपको एल्कोहल में नहीं बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नहीं बताया का मतलब ये था वो नहीं देते हैं, इसलिए हम आपको नहीं बताए, जो देते हैं टेस्ट वो आपको बताया जाएगा। अब आपको सबसे पहले यही बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होता क्या है, कौन कौन से कंपाउंड ये टेस्ट देते हैं, आपको यही लेक्चर में बताना था, ठीक है। तो आइए हेडिंग डालते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कोई जानता हो तो बता सकता है कि कौन देता है कौन नहीं, बस तैयार रहो, अभी पूछूंगा। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जब कोई एसिड है ना, कोई एसिड जिसके पास एच होता है, अभी बताऊंगा कौन कौन से एच का रिएक्शन कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से, किसे कराते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ, तो होता क्या है, ये एसिड रिएक्शन करता है सोडियम बाई कार्बोनेट से और बना लेता है सॉल्ट, जो भी होगा ग्रुप। मान लो इसमें हमने कार्बोक्सिलिक, ऐसा सपोज कर लो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर चलते हैं, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन दूंगा उसमें बताऊंगा, मान लो कि हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेकर चले हैं, RCOOH, ठीक है। इसका रिएक्शन जब आप कराओगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो आपको देखो क्या होगा, मिलेगा कंपाउंड सोडियम का सॉल्ट, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो एसिड आपने लिया था RCOO- Na+ प्लस मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ निकल जाएगा वाटर बाहर, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। यही गैस, देखो गैस के टेंडेंसी क्या होती है, स्कैप करने की। अगर कोई गैस किसी बॉटल में भरा होगा तो आप सबको पता है कि गैस क्या चाहेगा, नीचे से निकल के ऊपर आने को चाहेगा, तो जब ऊपर आएगा तो इसके बीच में जो भी कंटेंट पड़ा होगा, कंटेंट क्या होगा, निकल के बाहर की तरफ
फेंक दिया जाएगा। आपने देखा होगा जब पानी कोल्ड ड्रिंक अंदर से बाहर आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था बुलबुले के फॉर्म में, वो पूरे कोल्ड ड्रिंक के कंटेंट को क्या करता है, बाहर बहा देता है, निकाल देता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, गैस इस्केप कर रहा होता है। इस्केप करते समय गैस क्या बुलबुला बनता है ना, तो बुलबुला जब बाहर आएगा तो ऊपर वाले जो भी मटेरियल, जैसे बुलबुला ये बाहर आ रहा है तो ऊपर अगर मान लो ये कंटेंट है तो कंटेंट क्या होगा, निकल के बाहर चला जाएगा। तो ये सबसे जो समझने वाली बात थी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह से बुदबुदाहट होती है। किसके वजह से होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की वजह से। यही CO2 रिस्पॉन्सिबल है इफर्वेसेंस के लिए। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जब बाइकार्बोनेट टेस्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो आप सब ने प्रैक्टिकल में करा होगा, निकलने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है सिंपल सा, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है या ये कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट से आता है, आपसे यही सवाल पूछना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसका है, ये कार्बोनेट से निकल के बाहर आया है या कार्बोक्सिलिक एसिड से निकल के बाहर आया है, चलिए आंसर करिए जल्दी से। किसकी वजह से निकल के बाहर आया है, कौन डिकम्पोज हुआ जिसकी वजह से, एसिड का सीडो जो सी डबल ओएच था ये CO2 ग्रुप वो निकल के बाहर आया है या बाइकार्बोनेट का जो CO2 था वो निकल के बाहर आया है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसी से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कोई बताने वाला है, सोडियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट नहीं है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट है। पहली बात, Na2CO3 अलग चीज़ होता है और सोडियम कार्बोनेट अलग चीज़ होता है, दोनों सेम चीज़ नहीं है। सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होगा एसिड के साथ, बाइकार्बोनेट डिकम्पोज करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल सही, ये नहीं डिकम्पोज होता है, कौन डिकम्पोज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, ध्यान से देखना, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो कैसे बना था, है ना, ये किसका सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होता है सॉल्ट, वीक एसिड इसमें कौन सा लगा है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और बेस कौन सा लगा है, NaOH। जब NaOH और बाइकार्बोनेट को रिएक्शन कराते हो तो आपको यही सॉल्ट बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये एल्कलाइन मीडियम होता है, इसका नेचर कैसा होता है, पूरे का एल्कलाइन होता है ना। तो एल्कलाइन जो भी एल्कलाइन कंपाउंड है अगर उस पर एसिड गिरेगा तो क्या करता है, टूट जाता है, डिकम्पोज कर जाता है। तो ये सॉल्ट कैसा है, बेसिक होता है, सॉल्ट का नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो जब इस पर H+ आयन आकर गिरता है एसिडिक मीडियम में तो क्या होता है, ये चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है, और टूट के निकालता है कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही गैस जब टूट के बाहर आ रहा होता है तो अपने साथ पूरे टेस्ट ट्यूब या जो भी बर्तन में आप करोगे वहाँ से बुलबुले के फॉर्म में बाहर आएगा और पूरा कंटेंट बाहर आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं इफर्वेसेंस होना, बुदबुदाहट के साथ गैस का बाहर आना, वो वाइब्रेशन होने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड इफर्वेसेंस। सबको समझ में आया, इज दिस क्लियर टू ऑल। अब कौन देता है ये वाला टेस्ट, है ना। तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में चला है ना कि एसिड का काम है ओनली H+ देना, एसिड का काम क्या है, ओनली H+ प्रोवाइड करता है। तो उसमें से अगर H+ गया तो बाकी सारा काम किसका है, बाइकार्बोनेट का है। आप चाहे कोई भी एसिड यूज़ करना, एसिड में से सिर्फ H+ ही जाता है, ऐसा नहीं है कि एसिड में से आपने H+ के साथ साथ दूसरा भी निकाल दिया, ना, कभी नहीं, एसिड केवल H+ देगा, बाकी अपना कोई कंटेंट लूज नहीं करता है। ये पॉइंट अपने दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए ताकि आपको और भी अंडरस्टैंडिंग क्या हो सके, क्लियर हो सके। यहाँ तक सबको समझ में आया, इज दिस क्लियर टू ऑल। अब चले देखा जाए कौन कौन से ऐसे एसिड हैं जो बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो, जो जो बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, पॉजिटिव बाइकार्बोनेट टेस्ट, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड आपने नाम सुने होंगे, वो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड बाइकार्बोनेट को तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, हम पहला लिखने जा रहे हैं ऑल मिनरल एसिड्स, ऑल मिनरल एसिड,
यानी कल इनऑर्गेनिक एसिड। डिकम्पोज सोडियम बाइकार्बोनेट। जितने भी आप मिनरल एसिड के नाम जानते होंगे सब के सब क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर देते हैं। आप सबने नाम सुना होगा मिनरल एसिड का, फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, है ना, HII, दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सब इजीली क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट पर गिरते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, रिलीज होकर बाहर आ जाता है। तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एसिड्स, ये सब के सब तोड़ देते हैं, जितने भी एसिड आप जानते होगे ना। फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, दीज ऑल डिकम्पोजेस, ये सब के सब बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करता है। समझ में आया, पहला था ये केस। दूसरा, क्या फिनॉल डिकम्पोज करेंगे, क्या फिनॉल डिकम्पोज करता है बाइकार्बोनेट को, चलो आप लोग बताओ, फिनॉल डिकम्पोज करेगा, फ्यू सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स, फ्यू सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल डिकम्पोजेस बाइकार्बोनेट। सब तो नहीं करते बट कुछ हैं जो बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। मैं आपको दोनों का लिस्ट दे रहा हूँ, कौन करता है कौन सा नहीं करता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, मतलब कि जो डिकम्पोज करेंगे, एक आपका होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, कौन सा होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, और दूसरा होता है पिक्रिक एसिड। बस फिनॉल के खानदान में यही दो हैं जो इसको डिकम्पोज करते हैं, बाकी कोई फिनॉल डिकम्पोज नहीं करता है, ठीक है। दीज गिव पॉजिटिव बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है, और देखो नेगेटिव कौन कौन देता है, नॉर्मल फिनॉल, नेगेटिव टेस्ट देने वाले कौन कौन से हैं, नॉर्मल फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं देता है, और लास्ट में आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल, ये तीनों पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते। फिनॉल के खानदान के ये तीन लोग हैं जो टेस्ट नहीं देते हैं, बात समझ में आपको, ये बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज नहीं करेंगे। ये तीन तो करेंगे, ये दोनों तो करेंगे, है ना, बट ये तीनों नहीं डिकम्पोज करते, तो फिनॉल के केस में डिकम्पोज नहीं करेगा। समझ में आया दूसरा, तो कुछ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल करते हैं, सभी सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल नहीं करते। तीसरा पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज सोडियम बाइकार्बोनेट। जितने भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हो सब का सब सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करके कौन सा गैस निकाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब इसमें आप चाहे आपको फॉर्मिक एसिड आ जाए, चाहे आपका बेंजोइक एसिड आ जाए, चाहे आपका सिट्रिक एसिड आ जाए, चाहे आपका ऑक्सैलिक एसिड आ जाए, चाहे फिर आपका टार्टरिक एसिड, ये सब जितने भी एसिड होते हैं, मैंने दो चार के नाम लिख दिए आपके सामने, ये सारे के सारे एसिड क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट को इजीली डिकम्पोज कर देगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, बाइकार्बोनेट गैस। ये समझ में आया सबको, ठीक है। चौथा, ऑल सल्फोनिक एसिड,
सभी सल्फोनिक एसिड डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजेस सोडियम बाइकार्बोनेट। जितने भी सल्फोनिक एसिड के आप नाम जानते होंगे, सभी सल्फोनिक एसिड क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो ऑल, चाहे एलिफैटिक सल्फोनिक एसिड हो, SO3H, या एरोमेटिक हो, अगर सल्फोनिक एसिड है तो क्या करेगा, उसको डिकम्पोज कर देगा। ठीक है, इजिली डिकम्पोज कर देता है। पांचवा देखिए, आपने नाम सुना होगा स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, ठीक है, ये भी क्या करता है, बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करता है। बाइकार्बोनेट को क्या करता है, डिकम्पोज करता है। दिस इज स्क्वायरिक एसिड, ये भी क्या करता है, बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, ये भी क्या करेगा, बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर देगा। तो ये कुछ कैटेगरी थे जहाँ पे बाइकार्बोनेट क्या होता है, इजिली डिकम्पोज हो जाता है जब इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हम लोग एसिड के साथ। तो सम एसिड्स डिकम्पोजेस बाइकार्बोनेट व्हेन दे आर ट्रीटेड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब क्वेश्चन करा लो दोस्तों, देखो सबको यहाँ तक समझ में आया, एक बार सबका रिव्यू हो जाए। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ गया, डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है? चलो एक बार सभी लोग कमेंट कर दो, जरा जल्दी से जान लिया जाए कौन कौन है जिसको पता चल गया कि ये सब सही जा रहा है। साउंड सही आ रहा है ना? आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आ रहा हो, ऊपर ऊपर उड़ जा रहा हो यहाँ पे, किसी को ऐसा हुआ जो ना समझ में आया हो? क्वेश्चन कराऊँ तब? चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो तीन एसिड है जिसका हम रिएक्शन कराने हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। तीन कंपाउंड है, एक का नाम है पैरानाइट्रोफिनॉल, इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से। दूसरा आपका सबस्ट्रेट है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका भी रिएक्शन कराना है बाइकार्बोनेट से। और तीसरा है सल्फोनिक एसिड SO3H, इसका भी रिएक्शन करना किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से, ठीक है। इसमें गैस ए बी और सी, गैस ए बी और सी रेस्पेक्टिवली रिलीज होता है, तो आपको ऑप्शन देख के बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि जब गैस रिलीज होगा तो रिलीज गैस में कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले में NO2, बी हो जाएगा आपका CO2, और 3 हो जाएगा SO2, अगला हो जाएगा गैस H2O, दूसरे में CO2, तीसरे में SO2, तीसरा ऑप्शन है आपका गैस यहाँ पे निकलेगा CO2, 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 और चौथा ऑप्शन है गैस निकलेगा SO2, CO2 और NO2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फॉर विथ रेस्पेक्ट टू ABC? करेक्ट ऑप्शन ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सभी लोग बताएं। दिए गए चार तीन क्वेश्चन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम इनका डिकम्पोजिशन कराएंगे, इनका रिएक्शन कराएंगे, डिकम्पोजिशन कराएंगे, तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा, आंसर बताइए।
कोई है आंसर करने वाला? ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है, आंसर सही से करिएगा। कौन है जो डिकम्पोज करेगा भाई? आंसर फास्ट, आंसर फास्ट। किसी को समझ में ही नहीं आया क्या कौन सा गैस निकलेगा? अरे कोई तो गैस इवॉल्व होगा। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन 1, 2, 3, 4। ऐसा लग रहा जैसे किसी को आ ही नहीं रहा हो, ठीक ना। अच्छा देखते हैं कौन कौन क्लास कर रहा है, जरा आप लोग अपना इंट्रोडक्शन कर दीजिए, कौन कौन क्लास में अटेंड कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा हमें भी पता चले कहाँ तक हम पहुँचे हैं, किस किस कोर्स के लोग हैं जो क्लास कर रहे हैं। एक बार आप जरा अपने से बता दीजिए किस कोर्स के लिए आप लोग हो, जो इसको पढ़ रहे हो वो किस कोर्स की तैयारी करना चाहते हो, बेसिकली जो यहाँ पे पढ़ रहे हो एसिडिटी, कौन कौन है? करेक्ट ऑप्शन इज 3, सही है मानसी आपका आंसर सही है, करेक्ट ऑप्शन इज 3। ठीक है, थर्ड वाला क्या होगा? मोस्ट इसी सबका देखो, सब में डिकम्पोज तो बाइकार्बोनेट को ही होना है, तो जब डिकम्पोज बाइकार्बोनेट होगा तो गैस उसी का निकलेगा, है ना, डिकम्पोज बाइकार्बोनेट होगा तो गैस उसी का निकलेगा, तो तीनों में गैस तो इसी का निकलेगा, है ना, तो गैस आपका CO2 ही है, गैस CO2 ही है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 3। समझ में आया सबको? तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट है, सबको समझ में आया? ये था आपका बाइकार्बोनेट टेस्ट के बारे में। अब हम लोग चलेंगे एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है, एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, चलो हेडिंग डाल लो, एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड की एसिडिटी अब आप देखने जा रहे हो, ठीक है, बेंजोइक एसिड की एसिडिटी हम लोग बेसिकली डील करने जा रहे हैं, ठीक। तो देखिए बेंजोइक एसिड क्या होता है, ये आपका जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। और बेंजोइक एसिड में क्या होता है, इसको अगर हम डिकम्पोज करें तो डिकम्पोज करने से आपको क्या मिलेगा, मिलेगा बेंजोएट आयन, COO- बेंजोएट आयन प्लस H+ आयन, है ना, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड का बेंजोएट आयन। अब यहाँ भी देखा जाए तो बेंजोएट आयन में भी क्या है, अगर इसको देखें सही से तो दिस इज pH C double bond O, O-, यही है ना, और ये क्या है, एनायन है, ये कैसा एनायन है, एनायन है, है ना, दिस इज ऑल्सो एन एनायनिक पार्ट, तो एनायन है का इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी पड़ती है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी, हाई मिलेगी, तो जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है फिर वहाँ हमें बस कंक्लूड करना होता है किसी तरीके से, अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दे तो एसिडिटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम ये देखने वाले हैं कि इस केस में जब हम एसिडिटी पढ़ेंगे तो कैसे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम घटा सकते हैं। यहीं पे भी आपको एक कॉन्सेप्ट आने वाला है जिसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, समझने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले देखो, जब हम बेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो बेंजोइक जो एरोमेटिक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन, बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, फिनॉल
एंड एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों से क्या होता है, ये ज़्यादा एसिडिक होता है, और इसके ज़्यादा एसिडिक होने के पीछे का रीज़न क्या है, अभी आपको एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया और एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो सबसे पहले देखो एल्कोहल फिनॉल से क्या होता है, एल्कोहल फिनॉल के रिस्पेक्ट में इसकी एसिडिटी ज़्यादा क्यों है, फिनॉल के रिस्पेक्ट में बेसिकली लेते हैं। एल्कोहल के तो हम जब पता है एल्कोहल में रेजोनेंस ही नहीं होता, फिनॉल में रेजोनेंस होता है, फिनॉल में क्या होता है ये रेजोनेंस करता है ना, बट अपना कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या करता है, रेजोनेंस करता है। तो अगर आप बेंजोइक एसिड की बात कर लो, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, है ना, दे हैव इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो अब देखो इसमें क्या हो गया, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ और ये क्या हो गया, ओ नेगेटिव। दोनों स्ट्रक्चर क्या है, एकदम एक सेम टू सेम है, दोनों एकदम इक्विवेलेंट है, इसीलिए हम इसका नाम क्या देते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और फिनॉल में भी रेजोनेंस होता है, बट वो क्या होता है, फिनॉल का जो रेजोनेंस है वो क्या होता है, नॉन इक्विवेलेंट। तो भले फिनॉल में नंबर ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा हो, ठीक है, फिनॉल का फिनोक्साइड में, बट वो कैसा होता है, नॉन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट क्यों होता है भैया, क्योंकि अभी इसका क्या करोगे, रेजोनेंस अगर करोगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ऑक्सीजन पे है ना, ऑक्सीजन पे है, बट अभी रेजोनेंस हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता है, कार्बन पे। तो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को लूज करके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को भेज देता है, जहाँ पर स्टेबिलिटी दोनों की अलग अलग आएगी। बट यहाँ पे देखो पहले भी नेगेटिव चार्ज कहाँ था, ऑक्सीजन पे था, अभी भी कहाँ है, ऑक्सीजन पे है। तो अगर दोनों सेम एटम पे है तो आपका इक्विवेलेंसी बनता है, और जो भी इक्विवेलेंट होते हैं दीज आर मोर सिमेट्रिकल, और जो मोर सिमेट्रिकल होते हैं दीज आर मोर एसिडिक, इसीलिए बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक दैन फिनॉल। स्टेटमेंट समझ में आ गया, बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक दैन फिनॉल, सॉरी स्ट्रक्चर गलत बन गया ना, मोर एसिडिक दैन फिनॉल OH। अब बोलो समझ में आया सबको, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ठीक है, एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, अब यहीं पे आपका कहानी आने वाला है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है ना, क्या आने वाला है, ऑर्थो इफेक्ट। तो मैं आपको पहले यही बता दूं ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड पे हम लोग जाएंगे, हालांकि आप थोड़ा सा समझ लो पहले, उसके बाद ऑर्थो इफेक्ट बताता हूँ। देखिए एक चीज़ तो तय है, यहाँ पे फिनॉल की तरह बिहेवियर नहीं है, जैसे फिनॉल में क्या होता था, ऑर्थो पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज आता था, पैरा पोजिशन पर आता था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज इज नॉन कंजुगेटेड विथ रिंग, नॉन कंजुगेटेड विथ रिंग। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज देख रहे हो ना, ये नेगेटिव चार्ज रिंग के साथ कंजुगेशन में नहीं है, इसलिए पूरा रिंग क्या करेगा, ओनली माइनस आई एग्जर्ट करता है और प्लस एम एग्जर्ट करेगा, ठीक है, रिंग का क्या होता है, माइनस रिंग में रेजोनेंस नहीं होता। ध्यान दीजिएगा कि बेंजोइक एसिड का जो रिंग सिस्टम है वो रेजोनेंस के लिए नेगेटिव चार्ज को अपने रेजोनेंस नहीं कराता है, क्योंकि वो कंजुगेशन में ही नहीं होता। काउंट करोगे तो नेगेटिव सिंगल, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर यहाँ काउंट करा जाए तो नेगेटिव नेगेटिव के बाद क्या हो जाएगा, सिंगल, ये भी क्या हो जाएगा, सिंगल। तो नेगेटिव सिंगल सिंगल, कंजुगेशन खत्म, जहाँ कंजुगेशन नहीं होगा वहाँ पर रेजोनेंस भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गया कि यहाँ के अगर हम ऑर्थो
मेटा और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो हमें सिर्फ ये देखना है कि कैसे बेंजीन रिंग को डिस्टर्ब करता है, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को कैसे वो डिस्टर्ब कर देता है, बस यही समझना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑर्थो इफेक्ट। हेडिंग डाल लो, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, अब सवाल ये कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, इससे क्या दिक्कत होती है, एसिडिटी में क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट आया कहाँ से, क्या ज़रूरत पड़ी उसको यहाँ पे आने की। ठीक है ना, तो अब ज़रा देखो बेंजोइक एसिड को, अगर नॉर्मल बेंजोइक एसिड की हम बात करें तो नॉर्मल बेंजोइक एसिड में एक बॉन्ड होता है सी डबल बॉन्ड ओ और एक बॉन्ड होता है ओ नेगेटिव, है ना, ओ नेगेटिव। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। अब ज़रा इसमें ध्यान से देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज देख रहे हो, दिस नेगेटिव चार्ज, है ना, दिस नेगेटिव चार्ज इज कंजुगेटेड विथ दिस मॉइटी ओनली। आपका जो दिख रहा है सी डबल बॉन्ड ओ और सी ओ ग्रुप, इसी के बीच में कंजुगेशन है पूरा, जो पूरा कंजुगेशन का गेम है, ये पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज का इसी के साथ कंजुगेशन हो रहा है ना, केवल इसी के साथ। रिंग का कंजुगेशन में नेगेटिव से कोई रोल नहीं है, बट अगर ये देखो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, मैं रेड कलर दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ये वाला जो ग्रुप है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंजुगेशन में है, है ना, ये कंजुगेशन में है, ये कीटोन जैसा पार्ट है, जो ब्लू वाला बनाया कीटोन जैसा पार्ट है, तो कीटोन जैसे पार्ट में क्या होता है, ये रिंग अपना इलेक्ट्रॉन निकाल कर किसको दे देता है, इस वाले ओ माइनस को, है ना। तो अब बस यही समझना है कि उसको क्यों दे रहा है और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो अभी मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको, समझिएगा। यहाँ पे पहले समझने वाली बात है, सबसे ज़्यादा समझने की कोशिश करिएगा कि अगर जो नेगेटिव चार्ज आप ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज देख रहे हो वो क्या कर रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा है ना, ऐसे देखो इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा है, तो जितना ज़्यादा डीलोकलाइज करेगा रेजोनेंस उतना ज़्यादा होगा, और अगर रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब उसको जो झूला झूल रहा था, ऐसे ऐसे दोनों कर रहे थे, है ना, नेगेटिव चार्ज सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में ऐसा जो हो रहा था, अगर कोई आके उस झूले को रोक दे, वो जो डीलोकलाइजेशन है उसको क्या कर दे, घटा दे, उस डीलोकलाइजेशन को स्लो कर दे, कम कर दे, तो एसिडिटी क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि डीलोकलाइजेशन अगर कम हुआ तो रेजोनेंस भी कम हो जाएगा, रेजोनेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिटी भी कम हो जाएगा। तो ये कैसे होता है, अगर इस रिंग को हम हटा दें, रिंग यहाँ रहता ही नहीं, तो अगर रिंग नहीं रहता तो आराम से सी डबल बॉन्ड ओ माइनस क्या करता, कंजुगेशन कर रहा होता, बट इस रिंग के होने की वजह से देखो होता क्या है, ये रिंग अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के इस पे ला देता है नेगेटिव चार्ज। तो जब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा तो देखो क्या होगा, दिक्कत क्या होगी, अब ये जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस अभी आप देख रहे थे कि ये ओ माइनस कर रहा था, बेचारे का तो जिंदगी खराब हो गया, अब वो रेजोनेंस तो करेगा बट इक्विवेलेंट नहीं कर पाएगा। देखो ना, ये रिंग के साथ बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में आ गया ये वाला, बट अब ये बेंजीन रिंग के साथ तो कंजुगेशन कर सकता है बट वो इक्विवेलेंट नहीं होगा, तो जब इक्विवेलेंट नहीं होगा तो स्टेबिलिटी जाएगी घट, और स्टेबिलिटी जाएगी घट तो एसिडिटी भी जाएगी घट। तो ये दिक्कत जो आया इसको, साइंटिस्ट के दिमाग में सूझा कि क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि ये जो रेजोनेंस था वो डिस्टर्ब ना हो, ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस की जगह तो उल्टा आपका नॉर्मल रेजोनेंस होने लगा, जिससे एसिडिटी घट ही जा रही है जिसको बढ़ना चाहिए था। तो करना क्या है, जब हम इस रिंग के ऑर्थो ग्रुप को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, अभी देखो रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन ये है कि सारे ग्रुप क्या होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, ठीक है, सेम प्लेन में होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, तभी कंजुगेशन होगा। अगर प्लेनरिटी टूट गई, मान लो दो एटम ऐसे प्लेनर हैं तो ओवरलैप करके रेजोनेंस कर रहे हैं, बट अगर एक की प्लेनिटी ऐसे हो गए तो कभी रेजोनेंस नहीं होगा, कभी भी डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐसा कमाल करना है कि जो कंजुगेशन रिंग और सीओ के बीच में हो जा रहा है ये ख़त्म हो जाए। अगर ये वाला चीज़ ख़त्म हो गया तो कहीं ना कहीं इस रिंग का जो प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट ऑफ रिंग जो हो रहा है वो क्या होगा, गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा, और एसिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हम करेंगे क्या कि इस रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, इसी रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूएंट,
क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो जब हम इस रिंग के इस आर्थो पोजिशन पर कोई आर ग्रुप लगाते हैं जो कैसा हो, बल्की हो, बल्की हो का मतलब वो रिपल्सन करने वाला हो, तो जब बल्की होता है तो इससे क्या फ़ायदा हो जाता है कि सी डबल ओ माइनस, ठीक है, एंड आर ग्रुप, आर ग्रुप रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर ड्यू टू विच सी डबल बॉन्ड ओ माइनस लीव इट्स प्लेन, लीव इट्स प्लेन, ये अपने प्लेन को क्या करता है, छोड़ देता है। तो जब ये प्लेन ही छोड़ देगा तो प्लेनिटी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ड्यू टू विच प्लस एम इफेक्ट ऑफ रिंग डिक्रीजेस एंड एसिडिटी इंक्रीज। दिस इफेक्ट ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। समझ गए, दिस इफेक्ट ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो इफेक्ट। बात समझ में है, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ये पूरा सी डबल एच ग्रुप क्या करता है, अपना प्लेन छोड़ के बाहर चला जाएगा, तो जो प्लसम अभी लग रहा था प्लसम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बट सवाल ये है कि बल्की होना जरूरी है, इस आर का बल्की होना जरूरी है, तो आर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, इफ आर इज इक्वल टू एच ओ एच एफ ओ सी एच थ्री होगा तो नो ऑर्थो इफेक्ट, इनमें आपको ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। बट अगर इफ आर इज इक्वल टू मेथिल, हेलोजन भी नहीं करते, ठीक है, हेलोजन में भी फ्लोरीन क्लोरीन दोनों नहीं करते, मेथिल हो गया, NH2 हो गया, NO2 हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, ऑर्थो इफेक्ट इसमें होता है। ऑर्थो इफेक्ट टेक्स प्लेस। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया आपको, ये बात अच्छे समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ऑर्थो इफेक्ट में होता क्या है, क्यों ऑर्थो, अगर यही चीज हम यहाँ पे ऑर्थो पे लगा के मेटाप लगा देते तो मेटाप लगाने से फायदा होता क्या, नहीं, वहाँ पर रिपल्सन नहीं होता, बगल में होगा तभी रिपल करेगा, दूर होगा तो कोई रिपल्सन नहीं होगा, पैराप लगाओगे तब भी कोई रिपल्सन नहीं होगा, तो रिपल्सन अगर मिनिमम हो गया तो फिर वहाँ पे क्या होगा, प्लेन नहीं छोड़ेगा, और अगर प्लेन नहीं छोड़ेगा तो फिर वो क्या करेगा, प्लस एम रिंग का CO पे चला जाएगा और CO स्टेबलाइज हो जाएगा जिससे O माइनस डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं ऑर्थो इफेक्ट से रिलेटेड, पहला एज द साइज ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीजेस एसिडिटी विल इंक्रीज, ठीक है, एसिडिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो अब देखो जरा, आपका जो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है कौन सा होता है, वो बेंजोइक एसिड जिसके बगल में क्या लगा हो, टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हो, ठीक है, उसके बाद आइसोप्रोपाइल जिसमें लगा हो, उसके बाद जिसमें इथाइल लगा हो, उसके बाद जिसमें मेथाइल लगा हो, सबसे खराब जिसमें कुछ ना लगा हो। तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, प्लेनरिटी को तोड़ेगा, और जितना ज़्यादा प्लेनरिटी टूटेगा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा कंजुगेशन उतना ज़्यादा घट जाएगा,
और कंजुगेशन घटेगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट केस कि जैसे जैसे आप देखोगे ध्यान से कि सब्स्टिट्यूएंट का साइज बढ़ रहा है, एसिडिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड, मोस्ट एसिडिक। दूसरा, इफ द नंबर ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीजेस, एसिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो डाई सब्स्टिट्यूट वाले क्या होंगे, ज़्यादा एसिडिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लेनरिटी क्या होगी, मैक्सिमम लॉस होगी। फिर साइज वाला आएगा, नंबर के बाद साइज वाला आएगा, साइज वाले को पहले मत रखना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, छोटा वाला, सबसे लास्ट में कौन जाएगा, जिसके में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था, ठीक है। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स क्या होते हैं, मोस्ट एसिडिक होते हैं, ठीक है। और ये भी बात यहीं पे याद रखना है आपको कि नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट पे डिपेंड नहीं करता, ऑर्थो इफेक्ट इनडिपेंडेंट ऑन नेचर, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, चाहे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, दोनों क्या करते हैं, प्लेनरिटी को लॉस करेंगे ही करेंगे। तो ये नेचर पे क्या होते हैं, इनडिपेंडेंट होते हैं, ये बात आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में। तो ऑर्थो इफेक्ट इज इनडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब बताइए आप लोगों को समझ में आया, इनडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्लियर है सबको। तो अब चलो लास्ट, एकदम आखिरी में आ गया। अब अगर हम एसिडिटी का ऑर्डर लगाएंगे, पूरा ओवरऑल एसिडिटी का ऑर्डर लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। दिस इज मोर एसिडिक देन ऐसा बेंजोइक एसिड जिसमें क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। उसके बाद नॉर्मल बेंजोइक एसिड जिसमें कुछ न लगा हो, मतलब केवल H लगा हो, है ना। और सबसे ख़राब कौन से हो जाएंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप का तो काम ही है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डिस्टेबलाइज कर देना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होगा, सबसे आखिरी में लीस्ट एसिडिक सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। क्लियर हो गया सबका, तो मैं सबको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप सभी लोग करके आइएगा। आप देखो सबसे पहले नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, आपको इसका एसिडिटी बताना है, ठीक है। अब देखिए चार चार में सेट, ऐसे चारों सेट जैसे फिनॉल में किए हो वैसे यहाँ भी करिएगा, COOH, तो ऑर्थो पे नाइट्रो लगा दो, एक बार नाइट्रो को लगाओ मेटा पे, और एक बार नाइट्रो को लगाओ पैरा पे, और एक बार नाइट्रो को लगाओ ही मत, केवल नॉर्मल बेंजोइक रहने दो, ठीक है, नॉर्मल बेंजोइक रहने दो। आपको इसमें एसिडिटी बताना है, ऐसे ही आप बताओगे मेथाइल ग्रुप लगा के, ऐसे ही आप बताइएगा हैलोजन ग्रुप लगा के, ठीक है ना, ऐसे ही आप बताइएगा मेथॉक्सी ग्रुप लगा के। आपको ऑर्डर लगा लेना खुद से, ये सेल्फ वर्क है आपका, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग पूरा कंप्लीट करिएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। इसकी एसिडिटी अगर हम बात कर ले, इसका आंसर हम देखें क्या होगा, तो आप सबको पता है नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, माइनस एम ग्रुप। सबसे पहले तो ऑर्थो वाले को लगा लो, तो एक वाला क्या होगा, मोस्ट एसिडिक हो गया बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। उसके बाद ये माइनस आई केवल करेगा, मेटा पे है, ये माइनस एम और माइनस आई दोनों करता है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक, थर्ड वाला। उसके बाद हो जाएगा सेकेंड वाला, सबसे ख़राब कौन सा होगा, फोर्थ वाला। दिस इज द ओवरऑल एसिडिटी ऑफ फर्स्ट कंपाउंड, सबको समझ में आया।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट एसिडिटी। लगभग मैंने आपको एसिडिटी का पूरा ओवरव्यू आपको दे दिया, जितनी एसिडिटी होती है। आप लोग पूरा जाइए, इसको कंप्लीट पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस करिएगा। और जिन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा कंपेरिजन करने के लिए, आप टेलीग्राम मेरा देखो, नीचे टेलीग्राम चैनल है, आपको दिया गया नीचे लिंक टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और इस क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक है। कॉपी पे सी डबल ओ एच, यहाँ पर लगाओ सी एल और फिर एक सी डबल ओ एच और यहाँ पर लगाओ एफ, और मेरे को बताओ कौन सा ज़्यादा एसिडिक है दोनों में, ठीक। तो टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लो, कोशिश मैक्सिमम लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मैक्सिमम दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि और भी अच्छे कंटेंट प्रिपेयर किए जा सके, टाइमली सबको पढ़ाया जा सके। और अटैच रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, पूछते रहिए, बताते रहिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो पढ़ा रहे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन उस समय पूछेगा, बाहर का क्वेश्चन पूछना हो तो टेलीग्राम में आइए, वहाँ पर जुड़िए, सभी लोग सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। तो आज की सभा यहीं पे संपन्न होती है, अगली सभा में फिर शाम में मुलाकात होगी स्टीरोकेमिस्ट्री क्लास लेके, ठीक। तो हम लोग शाम में मिलते हैं स्टीरोकेमिस्ट्री का, उसके बाद मिलेंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन लेके। तो होप आप सबका दिन अच्छा जा रहा है, आप सब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीदें हैं, क्योंकि आने वाले समय बहुत सारे एग्जामिनेशन आपको फेस करने हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए। आज एसिडिटी कंप्लीट हो गया, कल से चालू करेंगे बेसिसिटी, ठीक। तो क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, कल से हम लोग बेसिसिटी स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही बेसिसिटी स्टार्ट होगा उसके बाद आपको बाकी चीज़ें जो चल रही है उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आऊँगा। तो कल सुबह 6:30 से आपका बेसिसिटी स्टार्ट करूँगा, आज अभी शाम में आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्लास है, ठीक है। तो चलते हैं फिर, टाटा बाय बाय, टेक केयर। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, क्वेश्चन लगाइए, सीट्स लगाइए, जहाँ से क्वेश्चन मिले वहाँ से लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, अपने एग्जाम की करिए तैयारी। थैंक यू सो मच।